ना। अब देखो कि डाउन द ग्रुप का रीजन रहता है, बुक में भी दिए हैं, सब डाउन द ग्रुप के। सो क्वेश्चन है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज फॉलोस। तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से बदलता है? एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज फॉलोस। कि ली ना के रब सी एस, सो 152 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, 231 पिकोमीटर, 244 पिकोमीटर और 262 पिकोमीटर। वास्तव में अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा दूँ तो ये एंगस्ट्रॉम के ही कैडर के हैं सारे। अब देखो, सो एक्सप्लेन इरेगुलर चेंज इन एटॉमिक रेडियस या इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, ठीक है, लिथियम से सोडियम जब हम जाते हैं तो कितने का इंक्रीज है? ठीक है, देयर इज लार्ज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऐसा क्यों होता है? लार्ज इंक्रीज है ड्यू टू गुड शील्डिंग इफेक्ट। एस एंड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में अच्छा खासा शील्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखें कितने की है, 34 की है यहाँ बढ़त और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़त है, 186 से 231 है, तो 31 प्लस 14 यहाँ तो 50 की बढ़त है। ठीक है, सिमिलर इज द केस सीन ऑन मूविंग फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। हाउ एवर आफ्टर पोटेशियम नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगले 10 इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते हैं? नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब वो अच्छा रिपल्सन नहीं देती हैं बाहरी इलेक्ट्रॉनों को, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, सो देयर इज, अब क्या होगा, मोर राइज इन जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते रहे उन्होंने शील्डिंग नहीं दी, क्योंकि
10 प्रोटॉन भी तो सेंटर में ऐड हुए, तो जब 10 प्रोटॉन सेंटर में ऐड हुए तो वो पकड़ लिए बाहर के इलेक्ट्रॉनों को, और डी ऑर्बिटल को भगाना था तो भगा नहीं पाए, और अंदर से अट्रैक्शन ज़्यादा मिल गया, तो बताओ सिंकिंग ज़्यादा होगी कि नहीं? यदि डी ऑर्बिटल रिपेल करती है तो सेंटर में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते तो वो एक बैलेंसिंग बनी रहती है, तो डी ऑर्बिटल ने अपना काम नहीं किया रिपल्शन का, और सेंटर में जो 10 10 प्रोटॉन गए, क्या उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया तेजी से, क्योंकि 10% ही उनका रिपल्शन है, तो बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ा कि नहीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए, बताइए। मान लीजिए कि सेंटर में वो 19 अभी आवाज आ रही है, जैसे सेंटर में 19 पहले प्रोटॉन थे, अब 37 प्रोटॉन हो गए, तो जो बाहर की डी ऑर्बिटल्स हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं, तो डी ऑर्बिटल जब काम नहीं करेंगी उनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की ओर अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? प्रोटॉन बढ़ गए और रिपल्सन नहीं बढ़ा, क्योंकि एस ओ पी तो रिपेल कर रही थी तो ठीक ठाक साइज बढ़ रहा था, अब रिपल्सन बंद हो जाए और अट्रैक्शन बढ़ता चला जाए तो क्या हाल होगी, बोलिए। सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट सो देयर इज मोर राइज इन जेड इफेक्टिव टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो क्या होगा, लेस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज सीन, इंक्रीज तो होगा क्योंकि शेल बढ़ गए हैं, रेडियस इज सीन। सिमिलर इज द केस व्हेन वी मूव फ्रॉम रूबीडियम टू सीजियम, जब आप रूबीडियम से सीजियम जाएंगे तब भी तो वही केस देखने को मिलेगा, फिर डी ऑर्बिटल बन जाएंगी, तो सिमिलर इज द केस व्हेन वी मूव फ्रॉम, तो इसी तरीके से जब आप रुबिडियम से सीजियम बढ़ती हैं तो भी डी ऑर्बिटल बढ़ती हैं, अभी एफ ऑर्बिटल नहीं शुरू हुई हैं, सीजियम तक नहीं शुरू होती हैं, उसके बाद शुरू होती हैं, फ्रॉम रुबिडियम टू सीजियम, सो देयर इज ऑल्सो लेस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज सीन। तो ये क्वेश्चन दिया जाता है। अब आप आ जाइए, ठीक है, इतनी बात हो गई, ओके, अब आगे के टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस, सो आयनिक रेडियस पे आते हैं। सो व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, ठीक है, टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सम मेटल एटम, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सम जो मेटल का एटम है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, देन कैटायन फॉर्म्ड, जो कैटायन बनता है, कैटायन फॉर्म हैज वन लेसर सेल, उसमें एक लेसर सेल होती है, इट हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैंस
a better electrostatic force of attraction is felt by them. Electrostatic force of attraction is felt by them, and Z एफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि एक शेल कम हो गई तो अब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, एक शेल अंदर से स्क्रीनिंग होगी, अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर अंदर वालों की स्क्रीनिंग होगी। जैसे सोडियम में पहले दो शेल अंदर की स्क्रीनिंग किया करती थी, अगर Na प्लस बन गया तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉनों की तो स्क्रीनिंग मानी जाएगी। एंड जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस ऑल कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, टूवर्ड्स ए लार्ज डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। तो इसकी वजह से जो कैटायनिक रेडियस है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप देख लें, इसी में लाइन लिखी हुई है कि 186 होता है सोडियम का, अब मान लीजिए Na प्लस बन गया तो 95 लिखा हुआ है कि 186 होता है आयनिक रेडियस में, 186 होता है और Na प्लस बना तो कितना हो गया 95। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 186 क्यों था और 95 क्यों हो गया, कि उसमें पहले तीन सेल थी, तो पहले तीन सेल थी तो तीन सेल में तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये, सो दिस इज 281 है, ऐसा है। और जबकि सोडियम के केस में, और अभी दो ही सेल रह गई हैं, तो दो सेल हैं तो वह और बेटर पुलिंग होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट की वजह से ही रेडियस बहुत बढ़ जाता है, उसको शील्डिंग इतनी मिलती है ना 6 7 8, वो बिल्कुल अलग ही थलग पड़ जाता है। तो ये 28 है और ये Na प्लस है, ये 95 पिकोमीटर का है, और जबकि ये है 186 पिकोमीटर। आप देख सकती हैं कि लगभग आधा हो गया है। सो कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक रेडियस किसी भी केस में, और उसका रीजन मैंने ऊपर लिख दिया है, इज ऑलवेज लेसर देन द एटॉमिक रेडियस ड्यू टू डिक्रीज ऑफ वन ऑक्यूपाइड सेल, डिक्रीज ऑफ वन ऑक्यूपाइड सेल, डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। एनायनिक रेडियस इन केस ऑफ एनायंस, एनायंस की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन दिस केस लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट सेंटर हैव टू पुल, तो उनको अब खींचना पड़ता है मोर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ इसकी वजह से क्या होता है, दिस ऑन अदर साइड
इज ऑल्सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विद इन द सबसेल. एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो अंदर से आता है, और एक शेल के ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खिसकाते हैं, दूर हटो दूर हटो. एक सीट पे अगर चार आदमी बैठ जाए तीन की जगह, तो सब एक दूसरे को धक्का देंगे. ऑल्सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेल्ट विद इन द सबशेल. ठीक है, दिस कॉजेज ओवरऑल इंक्रीज इन एनायनिक रेडियस विच इज ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन हैं, और 9 प्रोटॉन में इसके पास 2 और 7 हैं, तो फ्लोरीन का इसमें दिया गया है कि 64 पिकोमीटर ही होता है. वैसे सबसे कम हाइड्रोजन का होता है 34 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस. सबसे कम फ्लोरीन का नहीं होता है, हाइड्रोजन का होता है. अब देखो, लेकिन इसी फ्लोरीन में अगर मान लें इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या होगा, 2 इसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. इंटर इलेक्ट्रॉनिक एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें रिपल्सन बढ़ गया. यानी जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया ना, तो पी ऑर्बिटल में पहले 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और अब कितने हो गए हैं, 6. यानी 1s2 2s2 और ये 2p6 हो गया है क्या f माइनस में, क्योंकि यहाँ 1s2 2s2 और 2p5 था, और एक बढ़ने की वजह से ये बढ़ जाते हैं, इनका इनका खुद का भी साइज बढ़ जाता है. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इनका साइज बढ़ जाता है. सो एक्सपेंशन ऑफ, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिटल हो गया. तो अब ये जो f माइनस बना, तो ये नया वर्ड आया है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. पहले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता था, अब एक नई चीज़ आ गई कि उसी सेल के लोग एक दूसरे को ठेलते हैं, तुम दूर जाओ दूर जाओ. ऐसा होने की वजह से इनका साइज बढ़ गया, जो कि अभी कितना हो गया है, क्या ये 136 पिकोमीटर हो गया है. सो ऑलवेज एनायनिक रेडियस, जो एनायनिक रेडियस है वो बढ़ जाता है. ऐसा क्लोरीन में भी देखने को मिलता है. क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का जो रेडियस है वो 99 पिकोमीटर है, लेकिन अगर इसी में क्लोराइड आयन बन जाए तो ये 160 पिकोमीटर हो जाता है. अच्छा, सोडियम क्या है, सोडियम का कितना होता है, क्या 186 है पिकोमीटर, लेकिन सोडियम आयन बन जाए तो क्या होता है, 95 हो जाता है पिकोमीटर, और ये सोडियम आयन है. फिर अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या NaCl. तो जब NaCl बनेगा तो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जस्ट वेट करें. स्ट्रक्चर ऑफ NaCl,
हाँ, तो ये देखिए कि जो NaCl का हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि किस तरीके से अल्टरनेट एक उसमें सोडियम रहता है और एक क्लोरीन रहता है, तो उसमें सोडियम बड़ा नहीं रहता है, उसमें क्लोरीन बड़ा रहता है, क्योंकि क्लोरीन एज ए क्लोराइड आयन रहता है और सोडियम कैसा रहेगा, सोडियम आयन। तो यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, वो किस तरीके का होगा, तो ऐसे अल्टरनेट होगा जिसमें एक Na प्लस होगा और दूसरा क्या होगा कि Na प्लस फिर Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस और Na प्लस, ऐसे चलता रहता है। आपकी बुक में भी बना हुआ है, बुक में दिखा देते हैं, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बुक में इतना अच्छा नहीं, अभी आएगा नेट में तो दिखा देंगे। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको कि क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है वो कितने बड़े हैं, ठीक है। सो दैट इज क्लोराइड आयन्स आर वेरी लार्जर, तो इससे पता चलता है। देखो यहाँ भी तो क्लोराइड आयन बड़े ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, सो क्लोराइड आयन बड़े हैं, ये छोटे हैं। सो कैटा एनाइनिक रेडियस इज लार्जर, रेडियस इज लार्जर देन। हाँ, अब इसमें मैं आपको दिखा दूं कि जो एनायनिक रेडियस कैसे लार्जर है, एनायनिक रेडियस इज लार्जर देन पेरेंट एटम ड्यू टू, क्या होगा कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो क्लोरीन के कितने बड़े बड़े हैं, ग्रीन कलर वाले, ग्रीन कलर की होती गैस, सोडियम छोटे हो गए है कि नहीं। सो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन क्या है बताओ, क्लोराइड आयन, और जो सोडियम है वो सोडियम है ईएम, और ये आइड है, आइड का मतलब निगेटिव, ईएम का मतलब पॉजिटिव, समझ में आई बात कि नहीं। तो उसका उसका 160 हो गया है ये चीज़, और वो अभी 95 ही रह गया है। सो इट इज़ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ऐसा है, ठीक है, और तो कोई बात नहीं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड लेस पॉजिटिव चार्ज आर ये अनेबल टू पुल मोर निगेटिव चार्ज, लेस प्रोटॉन पुल मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही बात है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब देखिए कि अगर मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अच्छा एक बात देखो कि मान लीजिए कि एन पे -3 है और ओ पे 2- है और एफ पे 1- है, जबकि नियॉन में कोई भी माइनस नहीं है और सोडियम पे 1+ है, ठीक है, और जबकि Mg पे क्या है 2+ है और Al पे क्या है 3+ है, इनमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, इसमें कितने हैं N3- में, इसमें सब में 10 है, अच्छा प्रोटॉन बताइए इसमें कितने हैं,
अब मुझे बताओ यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं या 7 10 को खींच रहे हैं, किसका रेडियस बड़ा मानोगे और किसका छोटा? हाँ, तो नाइट्राइड बोलो, नाइट्राइड, जब निगेटिव लग जाए तो नाइट्राइड बोला करो, ठीक है, ऑक्साइड। सो इस तरीके से ये बड़ा होगा, और फिर आगे चलने पर क्या होता जाएगा, समझ में आ गई बात? सो ये चीज हो गई। तो आप इसका रीजन लिख सकती हैं कि एज इन केस ऑफ नाइट्राइड आयन लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर पुलिंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो इसका रीजन लिख सकती हैं, अदरवाइज लिखने के लिए हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। सो यहाँ पर इंक्रीजिंग में लिखना था, हमने उल्टा लिख दिया, खैर कोई बात नहीं, आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर, वैसे वो कह रहा था कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज, सो Al3+ फिर Mg2+ Na+ Ne F-, O2- और N, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो ये सही है, इसी का तो सबसे ज़्यादा होगा। सो ये क्या चीज़ है कि आयनिक, और एक इसमें क्या एटॉमिक भी है, रेडियस, क्योंकि नियॉन क्या है, एटॉमिक, तो आयनिक एटॉमिक रेडियस का आपने ये लिख दिया है। ऐसे ही काम एक और भी पूछा जाता है कि दैट इज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में भी है कि 18 वाला लिया जाता है, मान लीजिए आर्गन है, फिर Ca2+ लिया जाएगा, फिर इसके अलावा K+ है, और 18 18 वाले सारे ले लो, तो इसमें जो 18 बनाते हैं तो क्लोरीन बना लेगा 18, फिर फॉस्फोरस भी बना लेगा 18, सल्फर बना लेगा 18, ये बना लेगा, ठीक है, और 3+ वाला स्कैंडियम भी 18 बना लेगा, ये है। अब इन सब में आप मुझे बढ़ते क्रम में बताइए सबसे छोटा रेडियस किसका है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑफ एटॉमिक रेडियस बताएं, P3- का सबसे छोटा होगा। अच्छा, फिर तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने बताया कि फॉस्फोरस P3- है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन सबसे बड़ा है ना, तो आप हमें छोटे से बड़े के क्रम में बताएं। अच्छा, स्कैंडियम हो गया, ट्राइवेलेंट कैटायन, और बोलो फिर उससे बड़ा। फिर तो समझ में आ गई बात आपको कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसी पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम 3.5 है, जरा उसे भी देखें। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो हम लोगों ने देख ली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, तो Mg दे रहा है, Mg2+ दे रहा है, Al दे रहा है, और Al3+ दे रहा है। तो अब सभी में आप देखें कि
किसमें क्या क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो कैटायंस के तो दोनों के साइज बहुत छोटे होंगे क्योंकि एक शेल कम है। तो सबसे लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट साइज किसका होगा और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। कैटायन का साइज लार्जेस्ट होता है कि स्मॉलेस्ट। हाँ, सो कैटायंस हैव स्मॉलर साइज और नियरली हाफ होते हैं। तो इनका अपने मदर सेल से या पेरेंट सेल से कोई कंपैरिजन नहीं है, स्मॉलर साइज। तो अभी मुझे स्मॉलर साइज होते हैं देन पेरेंट एटम। तो बताओ एम जी और एल में कौन बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड रेडियस घटता ही है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता ही है। सो एम जी हैज लार्जेस्ट साइज, ठीक है। और इसके अलावा एज ये लिख देना अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो ये क्लियर हो जाएगा। रेडियस डिक्रीजेस, अच्छा स्मॉलेस्ट किसका होगा। हाँ, एल थ्री प्लस हैज स्मॉलेस्ट साइज क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। आर पुलिंग इनवर्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ है, बस यही इसका आंसर है। आगे आइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में। ये तो हो गई एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लिया, कैटायनिक यानी आयनिक रेडियस, दो ट्रेंड देख लिए हैं, अब तीसरे पे चल रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या अंतर है, बोलो। एंथैल्पी इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पर मोल, और जब एनर्जी होती है तो पर एटम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट loosely bonded electron from an isolated gaseous atom in its ground state। मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप कह देंगे भाई इसको निकालने के लिए 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल एनर्जी चाहिए। इतनी चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आई कि नहीं। इतनी दे दोगे तो कहाँ पे वो चला जाएगा, टू पुल आउट इट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू मूव इट अप टू इन्फिनिटी, तो वहाँ तक के लिए इतनी चाहिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, दैट इज कहा जा सकता है कि एनर्जी चेंज आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको एनर्जी बोलेंगे। सो ये 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल है पर एटम। तो अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा एक और बात बताओ, मान लो अगर इसी में मैं यहाँ ना रखूँ और इलेक्ट्रॉन को कह दूँ मैं तो यहाँ रखता हूँ, अब बताओ कितनी चाहिए। उसको एक्साइटेड स्टेट में रख दोगे तो भी उतनी चाहिए कि अब कम चाहिए होगी, बताओ।
बताओ। तो इसलिए यहां पर लिखा है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ही निकालो, नहीं तो फिर कोई पैरामीटर नहीं रह जाएगा, कोई मेजरमेंट नहीं रह जाएगा, कोई कहीं से निकालेगा, कोई कहीं से निकालेगा, तो ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। जैसे लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, या ये लेटेंट हीट, कि उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से, उसे अगर हम वो करें सॉलिड को लिक्विड में, तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई कहीं से करेगा, कोई -26 डिग्री की बर्फ़ को पिघलाएगा, तो कोई -70, तो सबको अलग अलग हीट लगेगी। तो एक रेफरेंस दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट से ही सबको करना है एक केजी को, तो वैसे ही है कि ग्राउंड स्टेट से करना है, और आइसोलेटेड होना चाहिए, यह नहीं कि इसके आसपास एटम हो, दूर दूर तक दूसरे एटम ना हो। अब गैसियस होना चाहिए, मोनो एटॉमिक होना चाहिए, H2 भी नहीं होना चाहिए, यह नहीं कि मॉलिकुलर स्टेट हो, हमने लिख दिया, देख लो एटॉमिक स्टेट है, चेक कर लीजिए आप, हमने ये नहीं लिखा कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और आइसोलेटेड का मतलब विलगित निकाय, इसके चारों तरफ दूसरा कोई एटम है ही नहीं, जिससे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी संभावना समाप्त हो जाए। बोलिए, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट, ठीक है, मोस्ट लूजली या लूजली एक ही बात है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इन गैसियस, तो फ्रॉम एटम इन गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंडेड स्टेट ऑफ एलिमेंट, सब लिख देना है बस, ये आगे पीछे का कुछ नहीं है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, ये एक मोल के लिए, जैसे ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच कहते हैं, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी पर मोल की होती है, एंथैल्पी का मतलब परमोल एनर्जी एक एटम की होती है। अब देखो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा आई एच निकालो, तो एक एटम की कितनी एनर्जी है और उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या अवोगाड्रो नंबर से, एक में इतनी तो इतने में कितनी, तो क्या होगा, और 6.022 इंटू 10^23, जरा मल्टीप्लाई करो, तो ये जो चीज़ हो जाएगी, ये तो पर मोल है और ये एनर्जी है, तो इट इज़ दिस मच जूल पर मोल, मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, टेन टू द पावर 5 तो यही हो गया, थर्टीन पॉइंट 127 हो गया, अच्छा किलो जूल, अब इसको किलो जूल में बदलो, तो 13.127 इंटू 10^2, समझ में आई, किलो जूल हो गया पर मोल, तो 13.1 किलो जूल, या फिर कितना हो जाएगा, अब दो जीरो और बढ़ा दो, तो क्या 1312 या 13 कर दो किलो जूल पर मोल, बात समझ में आ गई, क्या ये डेल्टा आई एच है, 1313 किलो जूल पर मोल, बोलो समझ में आया। अब कहीं पर हाइड्रोजन की लिखी हो तो हम कंपेयर कर लें, कहीं लिखी है, देखो लिखी है ग्राफ में, देखो तो ग्राफ में आपको पता चल रहा है कि 1313, नहीं भी लिखी होगी तो यहाँ तो पता चल ही रहा है, हाइड्रोजन के बाद ही तो हीलियम आता है, क्या ये 1000 से ऊपर है और 1500 से नीचे है, तो हो गई कि नहीं,
1313। वैसे 1320 लिखी जाती है, जब आप सेकंड बुक खोलोगी ना अपनी केमिस्ट्री के, तो पहले चैप्टर हाइड्रोजन ही का है, वो 1320 लिखते हैं। हमने तो जो है वो निकाल के रख दी, जैसी है वैसी निकाली, भले ही उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन किया हो या जो भी किया हो, बट ये होती है। तो ऐसे सबकी निकाली जाएगी, समझ में आई बात आपको? हाइड्रोजन की तो हमने निकाली दी, ऐसे सबकी निकालो। अच्छा, लेकिन कई कई बार जैसे एमजी में क्या करना पड़ता है कि एमजी के केस में अगर आप एमजी प्लस बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो क्या इसको एनर्जी देनी पड़ेगी? तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट मीन्स इसको डेल्टा आई एच वन देनी पड़ेगी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। और अब एम जी प्लस में से क्या एक और निकालोगी, तो क्या उसे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे? बट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि एम जी प्लस से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना क्या आसान है? टू प्लस से, बोलो, टू प्लस के, यहाँ तो एक एक से भगाना है, इसमें दूसरे, तो हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले से काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी अगर ये 1313 है तो दूसरी वाली 2800 या 3000 आएगी, और तीसरी वाली 7000। यानी मैं अगर कहूँ कि एल्यूमिनियम से, और अगर आप Al प्लस बनाएं और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो डेल्टा आई एच वन देना पड़ेगा, तो इतना देना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम प्लस से, और फिर क्या बनाए, Al टू प्लस बनाए, तो फिर और ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर थ्री प्लस बनाएंगे तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, इस तरीके से। सो डेल्टा आई एच टू, तो ये सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगी। और Al टू प्लस से अब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, सो Al थ्री प्लस हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एच वन का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और डेल्टा आई एच टू का क्या मतलब है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और डेल्टा आई एच थ्री का क्या मतलब है? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो फॉर एल्यूमिनियम, अब जैसे एल्यूमिनियम का देख लो, इसमें एल्यूमिनियम भी तो ग्राफ में बना होगा कहीं ना कहीं, क्या एल्यूमिनियम आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देंगे देख के। तो नीना मग आलसी, तो ये करीब करीब नीना मग आलसी 700 है। सो फॉर एल्यूमिनियम डेल्टा आई एच वन इट इज 700 किलो जूल पर मोल। ग्राफ से देख के हमने बताया, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक ठीक याद नहीं है, आगे गाइड्स में लिखा है, बट वो अभी मुझे याद नहीं, 720 भी हो सकता है। सो डेल्टा आई एच टू इट इज इक्वल्स टू 1800 किलो जूल पर मोल। और लेकिन अगर तीसरा निकालने चलोगे तो 4600 किलो जूल। समझ में आया कितना मुश्किल होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करना? और तीन से ज़्यादा तो निकाल नहीं सकते हैं, अब कार्बन में से तो चार कहाँ निकलेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम तो तीन दे भी देता है कभी कभी। सो टोटल अगर कोई ये कहना चाहे कि मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम से Al थ्री प्लस बना दिया और थ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सो उसमें इट इज़ डेल्टा आई एच वन और प्लस डेल्टा आई एच टू और प्लस डेल्टा आई एच थ्री लगी होगी इतना करने में, तो वो लिख दी जाएगी, इन सबको ऐड करके लिख दी जाएगी, 8, 7, 15, 6, 21। सो ये 2 हो जाएगा, 2, 4, 6, 7, 7100 किलो जूल पर दिस मच एनर्जी इज गिवन। तो इस अगर हमने एनर्जी बाहर से दी तो क्या सिस्टम को गेन हुआ एनर्जी का? तो पॉजिटिव किया गया। खैर उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गई,
कि फ्रॉम आइसोलेटेड एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वॉट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी लिख सकती हो, बुक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखा है, देन इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल, ये ना भूलना। तो अब जरा देखो कि x के आगे गैसियस लिखना जरूरी है, जो कि अभी तक हमने नहीं लिखा था, ये गलत किया था, क्योंकि गैसियस स्टेट में निकालना है, सॉलिड में नहीं निकालना, नहीं तो फिर उसमें लैटिस एंथैल्पी का भी चक्कर फंसेगा, उसमें पहले उनको अलग अलग करो। तो उसी के लिए कितनी होती 786 किलो जूल, तो लैटिस एंथैल्पी इनको तोड़ने के लिए, और फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ अलग अलग, सोडियम हो बिल्कुल अलग अलग। आइसोलेटेड गैसेस स्टेट का मतलब है कि इतने इतने दूर हों, एक एन ए यहाँ तो दूसरा एन ए यहाँ, वेपर स्टेट हो बिल्कुल, और अब निकालो वेपर स्टेट में हो तब निकाला जाए। तो अगर उसको हमने कैटायन में बदल लिया गैसेस स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ऐसी स्थिति में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऐसा ना सोचो कि सोडियम में से निकालोगे तो बड़ी आसानी से दे देगा, तब भी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि सोडियम भी अपने 11वें इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने में सक्षम है, जब कोई मांगेगा तब वो देगा। यानी सोडियम ने क्लोरीन को एटम क्यों दिया बताओ, सोडियम ने, सोडियम ये था, क्लोरीन ने क्लोरीन को दिया, वरना लेके तो घूम रहा था, तो सोडियम ने Na प्लस बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसको एनर्जी की ज़रूरत थी, इसको निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख लो अगर बुक से, तो बुक से लगभग 500 से नीचे है, 486 है, 500 से नीचे, थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है कि नहीं, बाकी तो हम देख लेंगे, है ना, या और कहीं और सही है, 496 है यहाँ लिखा है, कितना दिया हुआ है 496, तो अब इसको 496 की ज़रूरत थी, कोई 496, यानी आप देख लीजिए सोडियम भी नहीं देना चाहता है, कह रहा है इतनी एनर्जी दोगे तब मैं निकाल के दूंगा, क्योंकि उसके 11 प्रोटॉन अपने 11 इलेक्ट्रॉन को खींचने के तो सक्षम है, समझ में आ गई बात। और इतना ही नहीं, अगर सोडियम को 12वां इलेक्ट्रॉन भी पकड़ाओगी तो वो उसको भी खींच लेगा, रख लेगा, क्योंकि सेंटर के जो 11 प्रोटॉन है Na माइनस भी वो बनाएगा तब भी एनर्जी रिलीज करेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगला टॉपिक है, कि कोई भी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन मेटल भी ले सकते हैं, जो 11-11 को खींच रहा है, 11 की दावत है आपके घर में, एक आदमी आ जाए तो भगा दोगे क्या, बोलो। तो इस तरीके से वो खींच भी सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी चाहिए। अच्छा Cl ने क्या किया, क्या Cl को आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो चीज थी इसको इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें से निकाला और Cl को दे दिया, तो क्या Cl माइनस बन गया, बोलो, और क्या उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहोगे, Eg का क्या मतलब है, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बोलिए क्या कहेंगे, बताएं, जब इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी का चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं, और निकालने में हो इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, और ये जो है ये एक तरीके की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, ये कैसी हुई, एंडोथर्मिक, इसमें देना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन में ही 1320 किलो जूल पर मोल लग गया, इसमें भी 496 लग गया, अब इसमें देखो क्लोरीन में, अगले पेज पे खोलो जरा, अगर क्लोरीन ले ले तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, पेज 87 देखो, क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितनी उसने रिलीज की बताइए, अच्छा तो बात बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कि नहीं बन पाएगी बताओ, देर से बोलती हो, नहीं बन पाएगी, लेकिन बन जाएगी, क्योंकि अब ये Na प्लस
और सी एल माइनस पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे और क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बंध जाएंगे, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि एनायन और कैटायन पास आएंगे तो क्या एनर्जी नहीं रिलीज होगी, तो इस केस में भी ये लैटिस में बंधेंगे, यही है लैटिस, बंध गए कि नहीं। तो ऐसा करने में अगर वो एक मोल NaCl बनाते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि 58.5 ग्राम 23 मोलर मास इसका है, 35.5 इसका है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसे क्या कहेंगे, क्या लैटिस एंथैल्पी, अच्छा उसमें ये जानते हो कितना रिलीज करेंगे, 786 किलो जूल पर मोल। बोलो अब बात बन जाएगी, क्या एनर्जी रिलीज हो रही है 1000 किलो जूल और चाहिए सिर्फ इतनी। तो इन्हीं में से मिल जाएगी इसको, बाकी और भी बहुत कुछ काम होते हैं। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्लोरीन Cl2 है तो Cl2 को तोड़ने में भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि Cl बनेगा ऐसे तो Cl2 है तो उसको तोड़ने की जो एनर्जी चाहिए वो Cl बनाना, उसको कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, क्या क्या कहेंगे बोलो, बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो वो टूटेगा तब जाके वो एक्सेप्ट करेगा। तो आपके जो केसेस हैं यानी सब कुछ होगा तब भी एनर्जी का फ़ायदा ही होगा। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फ़ायदा होगा, इसके लिए आप कहाँ रिफ़र करें, ज़रा पेज नंबर खोलें जिससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो दैट इज़ नोन एज, ठीक है, पेज नंबर 173 खोलो। तो इट इज़ बॉर्न हेबर साइकिल, चेक करो ज़रा, बॉन्ड एंथैल्पी है। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, पेज खोल लिया, क्योंकि क्लोरीन भी टूटेगा। तो अब हम देखेंगे कि वास्तव में होता क्या क्या है, इस चीज़ को समझ लें फिर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आएँ, कि ऐसे तो सिंपली कोई नहीं है। और सोडियम हमें कहाँ गैसियस स्टेट में मिलेगा, और कौन हमें गैसियस करके देगा, और फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में NaCl बहुतायत में, सब जगह नमक मिलता है कि नहीं समुद्र में। तो आपके मन में बात आ रही होगी कि सोडियम जरूर वेपर बना होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, एटमॉस्फेयर की जो क्लोरीन गैस है पहले वो एटॉमिक फॉर्म में बदली होगी, उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगी होगी, फिर ये सब काम हुआ होगा तब जाके बना होगा। तो क्या क्या हुआ और कितनी कितनी एनर्जी लगी, ज़रा उस चीज़ को देखो, पेज खोल लिया। अब देखो, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ थी, क्या एटमॉस्फेयर में सोडियम सॉलिड फॉर्म में था क्या। भाई हमारे पास जो चीज़ें नेटिव स्टेट, और क्लोरीन क्या गैसियस फॉर्म में था, अच्छा इतनी बात आपको पता चल गई कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन किस चीज़ में है, गैसियस फॉर्म में है। नाउ अब देखिए कि ये दो चीज़ हो गई, क्लियर आ रहा है आपके स्क्रीन में कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, ब्लड है बता दिया करो। एक मिनट, ब्लड तो है ही, आ नहीं रहा है, अभी हो सकता है लिखने से क्लियर है। चलो ब्लड आ रहा है, एक मिनट,
एक मिनट, अभी शायद ठीक हो जाएगा। तो सोडियम को हमने किस में लिया, सॉलिड फॉर्म में, और क्या लिया, क्लोरीन को गैस के फॉर्म में लिया। इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या इसको सोडियम को किस में बदलेंगे? क्लियर नहीं हुआ ना, नाउ बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतना ही रखो। और 12:15 पे नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? ओके।